है टाटा, हम लोग घर तरफ जाता है और सबको बोलता है बाय बाय टाटा। तो गाइस आज हम लोग खाएंगे टाटा का मसालेदार स्वादिष्ट सब्जी जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखो जरा इसमें टाटा है, काट काट लो। बारिश में टाटा खाओ सरसों बटा के टाइम में, ये देख रहे हो ना डाटा, इसको हम लोग सरसों बाटा से बनाएंगे। तो वीडियो में आप लोग रहो, पहले से कटिंग करते हैं, उसके बाद डाटा को बाटा से बनाएंगे। जोर जोर हाँ। ये डाटा बहुत ही टेस्टी होता है सरसों बाटा से। तो हम लोग आज काट चुके हैं, बहुत मेहनत पानी में यार, क्या करे, बारिश भी आ रहा है पूरा। तो चलो इसको लेके घर जाते हैं, फिर इसको टाटा को बनाते हैं। ये है छुरी, ये है डाटा। अब है डाटा, हम लोग घर तरफ जाता है और सबको बोलता है बाय बाय टाटा। सो गाइज हम लोगों ने अच्छे से डाटा को काट के साफ कर लिए हैं और भी चूल्हा में चढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको हम लोग बॉयल करेंगे। और इधर मसाला में हम लोगों ने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। तो हम लोग इसको पट्टे में पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इधर हमारा मसाला रेडी करते करते ये डाटा भी बॉयल हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। बॉयल करने के बाद ये कितना अच्छे से मैश हो रहा है, ये देखिए ये बॉयल हो चुका है। अभी कढ़ाई में डाल दिए हैं सरसों का तेल, थोड़ा सा कलौंजी और अभी डालेंगे मसाला को, हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से मसाला को भूनेंगे। और डाल देंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। मसाला का डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी और मसाला को अच्छे से भूनेंगे। जब तक मसाला से एक खुशबू, स्वादिष्ट वाला खुशबू ना आए तब तक हम मसाला को भूनेंगे। और ये देखिए मसाला हम लोगों का भून ही चुका है, अभी डाल दिए हैं इसमें बॉयल किया हुआ डाटा को और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से मीडियम हीट में चलाते हुए भूनेंगे। और ये रहा सरसों का पेस्ट, इसको हमने ले लिया है सरसों का पाउडर, इसको ले लिए हैं और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। और अभी डाल देंगे डाटा में और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम लोग इसको अच्छे से पकाएंगे। ऑलमोस्ट ये तो पक ही चुका है लेकिन मसाला से डाटा को और भी अच्छे से पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। और ये देखिए कितना अच्छा से उबाल आ रहा है। और ये गाइस खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ट्रस्ट मी गाइस, ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। इसका जो ग्रेवी था ना ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था चावल के साथ खाने में। और मैंने डाल दिया है इसमें हरी मिर्ची और थोड़ा सा सरसों का तेल, जिससे इसका खुशबू एकदम सरसों वाला आएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नया एक वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए टाटा।